गांधी ये बयान देते हैं कि मुसलमान आज भारत में असुरक्षित हैं। ये बयान साल भर पहले भी दिया गया था और ये बयान अब हाल ही में दिया गया है, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या वाकई मानते हैं धरातल पर मुस्लिम समुदाय के लोग खतरे में हैं? आज तक आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी या तो अमित शाह या तो RSS या तो बजरंग दल ऐसा बोल दिया है कि भाई हम इनको निकाल दो, इसको काट डालो, मार डालो, सर तन से जुदा नहीं, ऐसा तो कोई ऐसे लोगों ने नहीं बोला। वो लोग बोलते रहते हैं, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है और उसकी वजह से वो समाज से विमुख हो जा रहे हैं। हिंदू जो उनकी फेवर करते हैं उससे भी वो विमुख हो रहे हैं मुसलमान लोग, तो उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि इस तरह से करने में और नुकसानी होती है। वो एक उनके मौलवी साहब का ही मेरे पास व्हाट्सएप आया था कि जो कर्बला का युद्ध हुआ उस वक्त कहाँ बजरंग दल था, कहाँ RSS था, कहाँ भारतीय जनता पार्टी थी, या तो हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले कौन थे।